अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम नाइट्रो पैक को कॉन्फ़िगर करने के बारे में सीखेंगे। तो ये बेसिकली काफ़ी हद तक एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे परमानेंट सोल्यूशन के बारे में, वो पार्ट हम कवर करेंगे ऑन पेज एसईओ में। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसके अंदर अपनी वेबसाइट एंटर करते हैं, तो ये आपको बताता है कि हमारी सर्विस यूज़ करने के बाद उनके फैक्टर्स क्या होंगे। उसके बाद आप यहाँ प्राइजिंग पे जाएंगे और स्टार्ट फॉर फ्री, प्लेस माई ऑर्डर, गो टू डैशबोर्ड। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे डब्ल्यू पी एडमिन, और यहाँ पे ऐड न्यू, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रो पैक इंस्टॉल एक्टिव। सेटिंग्स कनेक्ट, उसके बाद आपको ये दूसरे केचिंग के प्लगइन डिसेबल करने पड़ेंगे। एक्टिवेट हो गया, अब हम जाएंगे गूगल पे स्पीड के ऊपर और पेस्ट करेंगे। ये 100 हो गया। अच्छा, नाइट्रो पैक यूज़ करने के बाद इस तरीके का ये बैनर शो होगा फुटर में। इसको रिमूव करने के लिए हमें CSS यूज़ करनी पड़ती है, कस्टमाइज। एडिशनल CSS पब्लिश, उसके बाद करेंगे क्लियर कैच। अब उसके बाद इसे रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि बैनर रिमूव हो चुका है। उसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट के साथ कोई ये इशू क्रिएट करे तो आप यहाँ से इसका मोड चेंज कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम। वीडियो देखने में शुक्रिया।